बताइए सारे टेस्ट मैंने बताए अपने पास आपके चरणों में इस वीडियो में एक बेटे की बेबसी है, इस वीडियो में एक लाल की लाचारगी है, इस वीडियो में हाथ जोड़े हताशा है, इस वीडियो में गिड़गिड़ाती एक बेटे की आशा है कि कोई भी कैसे भी उसकी माँ को चंद सांसे दे दे। ये वीडियो आगरा का बताया जा रहा है, जहां ऑक्सीजन के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं, नौबत अधिकारियों के आगे गिड़गिड़ाने की भी आ गई है। ये तस्वीरें आगरा के सदर इलाके के उपाध्याय हॉस्पिटल की बताई जा रही हैं, जहां एक बेटा अपनी मां की उखड़ती सांसों को सहारा देने के लिए एक अदद ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए पुलिस वालों के पैर पड़ने लगा, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। बताया जा रहा है कि पुलिस वाले उसका सिलेंडर जब्त करने आए थे। पुलिस वालों के आगे ये बेटा मिन्नतें करता रहा। हालांकि पुलिस का इस वायरल वीडियो पर क्या कहना है वो भी सुनिए। एक ट्विटर हैंडल से एक वीडियो को वायरल किया जा रहा है, हॉस्पिटल से संबंधित वीडियो है। वो हॉस्पिटल उपाध्याय हॉस्पिटल सदर थाना क्षेत्र में पड़ने वाला एक अस्पताल है। दो दिवस न पहले आगरा के अंदर ऑक्सीजन की थोड़ी किल्लत न हुई थी, जिसके कारण न कुछ लोग अपने इंडिविजुअल जो है सिलेंडर्स न कहीं से मांग के हॉस्पिटल के अंदर इलाज न करवाने हेतु लेके जा रहे थे और खाली सिलेंडर्स बाहर लेके जा रहे थे। उसमें कुछ व्यक्ति उस वीडियो में अपने सिलेंडर्स बाहर लेते जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही में एक व्यक्ति जो है पुलिस से गुजारिश न कर रहा है कि उसको भी सिलेंडर उपलब्ध न कराया जाए, ताकि वो अपने परिजनों का जो है जो कि न कोरोना से पीड़ित न थे उस अस्पताल में एडमिट थे उनका इलाज न कर पाए। जिस तरीके से इस वीडियो को पेश किया गया है गलत उसका न ढंग से पेश किया गया, ऐसी न खबरों का, गुमराह करने वाली खबरों का आगरा पुलिस खंडन करती है। वीडियो में दिख रहे इस शख्स का नाम अनमोल गोयल बताया जा रहा है, और इस वीडियो पर पुलिस की तरफ से चाहे जो कहा जा रहा हो, जो भी सच्चाई हो, लेकिन कड़वी हकीकत ये जरूर है कि ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से इस बेटे के सिर पर से मां का आंचल जरूर छिन गया है। आगरा से अरविंद शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।